आपको बता दें 26, 27 और 28 जून को ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन एक ही दिन दो परीक्षा के चलते टीईटी को टाल दिया गया। आपको बता दें टीचर्स को नियमित करने के लिए टीईटी का एग्जाम दिया जाता है। और यह भी बता दें बिहार में होने वाले टीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वही 26, 27 और 28 जून को टीईटी की अहम परीक्षा होने वाली थी, वही एक ही दिन में दो परीक्षा के चलते टीईटी पेपर को टाल दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टीईटी का एग्जाम दिया जाता है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि बिहार से है। बिहार में होने वाली टीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। भाई आपको यह बता दें कि 26, 27 और 28 जून को यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन एक ही दिन में दो परीक्षाओं के चलते टीईटी का पेपर को टाल दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टीचर्स को नियमित करने के लिए टीईटी का एग्जाम दिया जाता है और इस पेपर को अब